नमस्कार, वेलकम टू माहोटिकल्चर। तो आज माहोटिकल्चर को जो व्हाट्सएप यूट्यूब जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं नॉर्मली कैसे मानसून सीजन में प्लांट को केयर करें। छोटा छोटा टिप्स है जो मैं रेगुलर आपके छोटा छोटा एक मिनट बा डेढ़ मिनट का वीडियो में भेजता हूँ, वही है थोड़ा सा जो मेरा मदर प्लांट है जो मिट्टी में लगा हुआ है उसी के साथ देख सकते हैं कैसे कुछ प्लांट गमले में भी है, कैसे गमले का डिस्टेंस होना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए। छोटा छोटा टिप्स है, कुछ प्लांट में लीव्स अगर गिर गया तो उसको क्या करना है, यही छोटा छोटा लीव्स माहोटिकल्चर का आज यूट्यूब चैनल में है। माहोटिकल्चर का जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर है वो जानते ही है, 9838290777, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है माहोटिकल्चर। तो आप लोग के साथ आज जो छोटा छोटा शेयर करेंगे कैसे केयर है ये मानसून सीजन में। तो सबसे पहले देखिए मेरा एक प्लांट के ये सब मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन मिट्टी में लगा होते हुए भी देखिए मेरा प्लांट का नीचे कोई भी जंगली प्लांट्स नहीं है, सब एक दूसरे से साफ सुथरा है, एक दूसरे के कीप डिस्टेंस। कोई भी ऐसा पत्ता रहे तो रेगुलर बाग कुछ भी रहे तो रेगुलर बेसिस में उसको सफाई कर दीजिए। साथ में देखिए मेरा कोई भी योलो लीव्स नहीं है, योलो लीव्स होता है तो उसको जरूर निकाल दीजिए। जैसे एक योलो लीव्स आप देख रहे हैं तो इसको काट दीजिए। ये छोटा छोटा चीज़ है जिसमें प्लांट आपका और भी अच्छा रहेगा। साथ में जितना साफ सफाई रखेंगे प्लांट का डिस्टेंस थोड़ा सा रहेगा एक दूसरे से और भी अच्छा रहेगा। कुछ प्लांट में ऐसा जो है ये जो कर्ली है ये उसका नेचुरल है, गर्मी के कारण हुआ है, वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिर आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा, जैसे एक प्लांट है इसका एक ही ब्रांच है, दूसरा कोई ब्रांच उतना नहीं है, देखिए उतना ब्रांच नहीं है, तो उसको कैसे ब्रांच बढ़ाएंगे इसको देखिए। यहाँ से थोड़ा सा पिंचिंग कर दीजिए, जैसे हम चंद्रमल्लिका में करते हैं ऐसे थोड़ा सा पिंचिंग कर दीजिए और भी अच्छा रहेगा प्लांट। फिर और एक प्लांट दिखा रहा हूँ, जैसे ये बड़ा प्लांट है देखिए ये ऐसे हो गया है, अब इसको कैसे सही करेंगे। इसमें जो लीव्स आ रहा है, ब्रांचेस आ रहा है लेकिन सही से निकल नहीं रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ऊपर से थोड़ा सा मैं काट दिया, यहाँ से थोड़ा सा मैं काट दूँगा, वो ऑटोमेटिक उसका ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रांचेस शुरू हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टिप्स है, इतना छोटा प्लांट है इसमें कली मत लीजिए, इसको काट दीजिए, कली मत लीजिए, इसको काट दीजिए, वो मैं रख दिया, बाकी मैं काट दिया। तीसरा चीज़ है ये देखिए थोड़ा सा इसमें खराबी आ रहा है तो इसको आप यहाँ से काट दीजिए, और भी ब्रांचेस आ जाएगा, ऐसे हो गया है इसको यहाँ से काट दीजिए। ये छोटा छोटा चीज़ आप अगर रेगुलर बेसिस में ध्यान रखिएगा, ये जो पुराना फ्लावर है इसको काट दीजिए, ये देखिए इधर भी इतना छोटा प्लांट में कली है, काट दूंगा। तो प्लांट को सबसे पहले बड़ा करना है, उसमें लीव्स भी सही रहेगा, सब भी एक से दूसरे का थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए सही रहेगा। ये जो है ये अभी ये नेचुरल है, ये वैरायटी का प्रॉब्लम है, ये अभी जब भी ठंडा आ जाएगा धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला प्लांट ये मुरैया पता रहे, इसका लीव ऑलवेज सही रहता है, ये गर्मी हो बरसात हो ठंडी है कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन चीज़ सिर्फ ध्यान रखिए, मैं और एक प्लांट दिखा रहा हूँ, इसका ये प्रॉब्लम है गर्मी में, ये है आपका रेन ड्रॉप, फ्लावर भी कम होता है, फ्लावर ब्यूटीफुल है लेकिन इसका अभी ये प्रॉब्लम है। फिर आ रहा हो कि कितना अच्छा बॉर्डरिक है, ब्यूटीफुल फ्लावर देखिए, इसमें देखिए इसका ब्रांचेस बढ़ाना है, यहाँ से जस्ट पिंचिंग कर दीजिए, यहाँ से जस्ट पिंचिंग कर दीजिए, और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा, और भी ये ब्रांचेस आ जाएगा। फिर देखिए ये जो एक प्लांट है ये थोड़ा बहुत डाइबैक से पूरा ख़राब हो रहा है, तो अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आप इसको यहाँ से देखिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से डाइबैक हो चुका है, फिर यहाँ से काट दीजिए अगले से जहाँ तक डाइबैक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी काटेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है।
साथ में थोड़ा सा फंगिसाइड लगा दीजिए और कोई अच्छा फंगिसाइड भी स्प्रे कर सकते। देखिए इधर भी एक प्लांट का हालत ख़राब है गर्मी से, तो इसको यहाँ से काट दीजिए, जो लीव्स ख़राब है उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका प्लांट अच्छा रहेगा। इतना अच्छा प्लांट भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा पिंचिंग कर देंगे तो और भी प्लांट का बढ़ावा। ये छोटा प्लांट है, इसमें कली बिल्कुल मत लीजिए, मेरा गलती है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं एक कली काट दे रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। ब्यूटीफुल हार्वेस्ट मून देखिए, एक अननोन वेराइटी, अभी गर्मी में पूरा खिला नहीं है ठीक है, लेकिन ये जो है इस टाइप का फ्लावर खिल के रहा, इसको ज़रूर साफ कर दीजिए, नहीं तो फंगस लग सकते इस टाइम में। थोड़ा सा देखिए येलो पत्ता, इसको निकाल दीजिए, इस टाइप का येलो पत्ता है, इसको निकाल दीजिए। फिर मैं और एक देखिए प्लांट में डाईबैक लगा है, ये डाईबैक का काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये वाला कटा है, तो यहाँ से काट दे रहा हूँ। ये कॉमन है गर्मी में और ये बरसात के टाइम ये कॉमन है, लेकिन विंटर में ये सही हो जाएगा। और एक प्लांट दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा ये है, मानसून मैजिक। इस प्लांट का नाम मानसून मैजिक है, ये फ्लावर सबसे ज़्यादा मानसून में सीजन में ही खिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा है मानसून मैजिक। फिर देखिए एक प्लांट है, इसमें डाईबैक लग के पत्ता गिरा है, येलो होके गिर गया है। अभी इसको क्या करना है, इसको सिंपल वे में इसको काट दीजिए और कोई भी फंगिसाइड गोल के यहाँ पर लगा दीजिए, जहाँ से मैं काट रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अगर से काट दे रहा हूँ और यहाँ से कोई भी फंगिसाइड लगा देंगे, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये अलग सा लिप्स है, तो इस लिप्स को ज़रूर तोड़ दीजिए, ये देसी प्लांट का लिप्स है, इसको ज़रूर तोड़ दीजिए। मैं तोड़ दिया, इससे प्लांट और भी अच्छा रहेगा। ये छोटा छोटा चीज़ में ध्यान देना है, इसका आपका प्लांट और भी अच्छा रखे रहेगा। दिस इज अनदर रेड ऑरेंज सर्कल ब्यूटीफुल फ्लावर, अनदर ब्यूटीफुल फ्लावर। ये बहुत बड़ा विंटर में होता है, लगभग 12 इंच का फ्लावर होता है, बहुत ब्यूटीफुल है फ्लावर। देखिए डबल फ्लावर खिला है, ये एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, फ्रेजाइल मोमेंट, ये भी बहुत बड़ा होता है। देखिए मेरा जो गमले वाला है कितना डिस्टेंस में रखा है, देखिए एक से दूसरे का डिस्टेंस देखिए, एकदम साफ सुथरा किया हुआ, जितना सफाई रखेंगे उतना अच्छा। ऐसे छोटा सा चीज़ है, इसी को निकाल दीजिए तो आपका प्लांट और भी अच्छा रहेगा। अगर माँ हॉर्टिकल्चर का वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक एंड शेयर इट। माँ हॉर्टिकल्चर का ऑफिशियल फ़ोन नंबर 9838290777, इसी में कॉन्टैक्ट कर सकते। हमारा ऑफिशियल फेसबुक है माँ हॉर्टिकल्चर, हमारा फेसबुक ग्रुप है हिबिस्कस एंड एडेनियम केयर। तो माँ हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ने के लिए मिनी मिनी थैंक्स। माँ हॉर्टिकल्चर का वीडियो आप देख सकते संडे सुबह 9 बजे एंड थर्सडे सुबह 9 बजे, वीकली 2 वीडियो एंड डेली जो हमारा अपडेट होता है व्हाट्सएप में, कोई ना कोई आपके लिए जाता है। थैंक यू ऑल, बाय बाय।